12, 13, 15 और ये 19. कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 19. तुम्हारे? 35. अरे यार, तुम्हारे पास हर समय ज्यादा ही पैसे होते हैं. अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन. तुम आ रहे होगा? नहीं, हम ये बाजार में ही घूमेंगे. अच्छा ठीक है. अच्छा से खाओ तुम लोग, भूख लगा होगा ना तुम लोगों को. और कुछ लोगे? पानी? अच्छा एक बात बताओ, नाम क्या है तुम लोगों का? सिद्धेश. और तुम्हारा? दिपेश. और तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? सरिता मिश्रा. अच्छा एक बात और, रहते कहाँ हो तुम लोग? करोल बाग, दिल्ली में. अरे वाह, तुम लोगों को तो सब कुछ पता है. वेरी गुड. श्याम जी. जी. ये बच्चा लोगों को ले जाइए, इनका कपड़ा उपड़ा बदलवाइए, ख्याल रखिए इनका. कल ये लोग अपनी मम्मी के पास जाएंगे. आओ बेटा मेरे साथ आओ. आओ आओ. गफूर मियां, क्या है ये? क्या हो गया आपकी काबिलियत को? हाँ ये कैसा ट्रेनिंग दिए हैं आप लोग? ये तो सब बता रहे हैं, अपना नाम, माँ का नाम, घर का पता भी. अगर इस तरह से सड़क पर निकल गए और सब कुछ बोल दिए तो क्या होगा पता है ना आपको? चलिए छोड़िए, कल भेजते हैं सही ठिकाने पर इनको. शक्ल सूरत अच्छी है, पैसा अच्छा मिल जाएगा. श्याम जी जरा आराम से, कोनो दाग बाग नहीं आना चाहिए. बेटा सुनो, यहाँ आओ, इधर आओ, घबराओ मत, इधर आओ. मुझे पहचाना? मैं वहां आरोही में आया था. तुम वही बच्चे हो ना? नाम नाम. अरे सुनो सुनो बेटा, पता नहीं कहां चला गया. सही है, तो उसी का डब्बा है. थाने चलते हैं, चलो. आग करें मैडम, वो पुलिस का बड़ा लफड़ा चल रहा है. वही तो. अरे अरे अरे, कहां भागे जा रहे हो? हाँ क्या हुआ? वो हमसे सवाल पूछा था, हम वहां से भाग गए. कौन? वही जो कल पुलिस के साथ आया था. तुमने कुछ बोला क्या? नहीं, हमने मुंह नहीं खोला. वेरी गुड. श्याम जी. आया. ले जाइए इसे, बोल देगा तो खतरा है. समझ गया मैडम. हाँ उस बच्चे ने बंसी देवी को सब कुछ बता दिया. उसे क्या पता था कि वो उसका साथ दे रहा है जो उसके जैसे प्यारे और मासूम बच्चों को बेचने का धंधा करती है. बंसी देवी के लिए उसका एनजीओ एक नकाब था, एक मुखौटा था. वो बच्चों के दिल में ऐसा खौफ पैदा कर देती थी कि अगर बच्चे कभी कुछ बोलना भी चाहें तो डर के मारे बोल नहीं पाते थे. बंसी देवी ने दिपेश का भी कुछ ऐसा ही हाल किया था. अब सिर्फ उसके आंसू ही उसका दर्द बयां कर सकते थे. और उधर भीख मांगते हुए बच्चे को देखने के बाद पुलिस को एक आशा की किरण नजर आई और पुलिस इस मौके को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती थी. आज हम अंजलि के साथ बाहर गार्डन तलाशी. कहाँ जा रहे हैं आप लोग अंदर? सुनिए मेरी क्या है ये सब? सच है कि आप एनजीओ के आड़ में भीख मांगने का धंधा चलाती हैं? श्याम जी. जी मैडम. क्या कहा आपने?
ये बच्चा लोग आपको भीख मांगने वाले लगते हैं? कल एक बच्चा देखा था मैंने यहाँ पर खाना खाते हुए, वही बच्चा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, पूछताछ की तो भाग गया। वो बच्चा कहाँ है? सर बच्चा बाहर नहीं मिला और बाकी बच्चे भी कुछ बोल नहीं रहे। सर कुछ भी नहीं है। मिल गया। तुम छुपाने की जितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई का पता तो हम लगा के ही रहेंगे। आप पता लगाइए, हम फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ बोलो धर्मेश। सर वो दोनों पकड़े गए जिनका स्केच बनवाया था। जी सर, उनके साथ एक लेडी भी है। सर पटना स्टेशन में चोरी का सामान बेच रहे थे, हमारे इन्फॉर्मर ने पहचान लिया सर। उनसे ये पता लगा है कि वो दोनों बच्चे किसी गफूर को बेचे गए सिर्फ 3,000 रुपये में। सर गफूर का एड्रेस है? नहीं साहब, हम लोग बच्चों से भीख नहीं मंगवाते और ना ही बच्चे किडनैप करते। हम तो बच्चे खरीदते हैं और उन्हें आगे बेच देते। किसे बेचते हो? बंसी देवी को, और वही बच्चों को भीख मांगने के काम पे लगाती है। किसी भी इलाके में कोई भी उसकी इजाजत के बगैर भीख नहीं मांग सकता। कौन सा बच्चा कब कहाँ क्या बन के भीख मांगेगा ये वही तय करती है। तो सिर्फ ट्रेनिंग देते। तो ये ट्रेनिंग स्कूल है? जी साहब। तो फिर अपने खुद के बच्चे को कब से ट्रेन कर रहे हो? पूछा तक पहुंच है हमारा। तुम्हारी पहुंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। बताओ। बताओ बच्चा कहां? नहीं जानते। नहीं जानते? इसकी तब तक खातिर करो जब तक इसे सब याद ना आ जाए। ठीक है सर। बता किधर है? आ रहा। बता। आ रहा। क्या बोला? आ रहा में है दोनों। आ रहा में क्या कर रहे बच्चे? वहां से गया ले जाएंगे। जी सर। धर्मेश बच्चों को आरा भेजा जा रहा है और वहां से ट्रेन से गया ले जाएंगे। कौन सी ट्रेन से सर? किस ट्रेन से? ये हमको नहीं पता होता। ये वही लोग तय करते हैं कि कौन सा ट्रेन से लेकर जाएंगे। बता। बता रहे। बच्चा लोगों का ट्रैफिकिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम जिनको देते हैं वो दिल्ली में है। पिकअप से लेकर गया में हमारे कॉन्टैक्ट तक पहुंचाने का काम वही लोग करते हैं। सुना तुमने धर्मेश? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दिल्ली पुलिस को कॉन्टैक्ट करें या उनसे इन्फॉर्मेशन, सब हमें ही करना होगा। तुम कहाँ हो इस वक्त? सर मैं पटना से मुगलसराय जा रहा हूँ, लेकिन मैं आ रहा उतर जाऊंगा। ओके। जो बच्चे कभी अपने घर के लाडले हुआ करते थे, अपहरण के बाद उन्हें भिखारी बना दिया जाता है या वाराणसी आगरा और गया जैसे शहरों में भेज दिया जाता है ताकि उन्हें देह व्यापार या अंग व्यापार के लिए बेचा जा सके। कुछ बच्चों को तो ऊंट रेस में जॉकी बनाकर शामिल किया जाता है जहां अक्सर उनकी मौत हो जाती है। एक तरफ इनके माँ बाप इन्हें तलाश करते रहते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चे नर्क जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। इसी तरह से करीब 15-20 बच्चों को गया भेजा जा रहा था। इसे तू पकड़, बच्चे भी ले गया। चल चल ध्यान रखना, पुलिस हम पे कुछ ज्यादा नजर रखे हुए है। कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा। अगर एक दूसरे का फोन नंबर भी होना तो कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसे तू लेकर जाएगा। वहां एक औरत मिलेगी जो इसकी माँ बनकर आएगी, और गया स्टेशन पहुंचते इन बच्चों को वहां पहुंचा देना जहां का पता दिया हुआ है। पैसे वहीं मिल जाएंगे। हथियार उतियार रख लिए? हाँ। लेकिन हथियारों का इस्तेमाल तब तक नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा, समझे?
ठीक है, ये लो ट्रेन का टिकट, गया एक्सप्रेस 9:45 का ट्रेन है। तुम लोग आसपास की बोगी में ही रहोगे, समझे? निकलो। और दूसरी टीम हमारी? बात नहीं करनी है, कहा ना? चलो हाजिर, चलो निकलो। ए, ए, गुंगे, चुप। चुप, चुप, चुप। अरे चल, चल, मैं देख रहा हूँ इसे। मम्मी पापा के पास जाना है, भेजो भेजो। सर एक ट्रेन अभी निकल रही है, दूसरी 9:45 पर है, हाँ उसके बाद अगली 11:30 बजे। कीप एन आई, हाँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि बच्चों को किस ट्रेन से भेजा जा रहा है। राइट 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 सर, राइट सर, ओके। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? बच्चा किसका है? हमारा है। माँ किधर है? अरे आप हो कौन? पुलिस। गया जा रहे हैं हम लोग, वही है इसकी माँ। सॉरी। आरा से गया जाने वाली 4 ट्रेन्स थी जो आरा से रात को चलती हैं, लेकिन बच्चों को किस ट्रेन में ले जाया जा रहा है इसकी भनक तक नहीं थी पुलिस के पास। सच तो ये है कि ये भी यकीन से नहीं कह सकते थे कि सारे बच्चे एक ही ट्रेन से जा रहे थे। रेलवे पुलिस की समझ में आ गया था कि वो प्लेटफॉर्म पर आम लोगों से पूछताछ करके बच्चों को नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि हो सकता है कि इससे चिंता का माहौल बन जाए। और तब जीआरपी ने सीसीटीवी के जरिए प्लेटफॉर्म पर नजर रखना शुरू किया। ये कैमरे को जूम करो। इसको मॉनिटर पे भैया तो आए नहीं अभी तक, क्या करें अब? हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए अब। यहाँ से जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम निकलो। चलो और सुनो, मैं अगर इधर से जाता हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे आके ना सीधा चले जाना वहाँ से, और तुम इधर से निकल जाना, है ना? ललिता कहाँ गई? वो तो निकल गई इधर से। सही किया। सुन, तू यहीं से जाएगा। हाँ ठीक है, और तू इसके साथ निकल। कहाँ भाग रहा है बे साले? हाँ बहुत भाग रहा है तू। हम्म, क्या बात है भाई साहब? कुछ बोला ना तो मेरे भाई की जान ले लूंगा। क्या बात है भाई साहब? कुछ नहीं, वो बच्चा है ना, आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था। क्यों बेटा? हाँ ठंड है इतनी और आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है, बीमार हो जाएगा। सही बेटा, आपके पापा सही तो बोल रहे हैं, ये ठंडी में आप आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार तो हो जाएंगे ना। मत खाइए सर्दी में आइसक्रीम। हाँ जाइए, पापा के साथ जाइए, मत खाइए, जिद मत करिए। दिगवेंद्र कुछ पता चला? देखो ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। हम सच में कुछ नहीं जानते। कांस्टेबल अपना बैंक लेके आओ। नहीं नहीं, हम नहीं जानते, सच में कुछ नहीं जानते। एक मिनट मिनट, इसको जूम कर। नहीं जाने दो उसको, नजर रखो उस पर। और बता।
दीपेश के आंसू भी सूख चुके थे और उसकी आंखों से उम्मीद की रोशनी भी बुझ सी गई थी। जब तक उसका भाई उसके साथ था उसमें हिम्मत थी, और यही इन लोगों का तरीका होता है कि बच्चों की ऐसी हालत कर दो कि वो किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले डरे। एक तरफ बच्चे आरा स्टेशन पहुंच चुके थे और दूसरी तरफ जीआरपी की समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि उन्हें किस ट्रेन से भेजा जा रहा था। समय निकलता जा रहा था और जीआरपी की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसको ज़ूम करो। हेलो सर। हाँ मैं सर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। एक बच्चा है ऑरेंज टी शर्ट में, एक आदमी औरत के साथ जा रहे हैं S4 डब्बे के सामने, नजर रखो उस पर। राइट सर। S4 ये है क्या? नहीं ये अपना नहीं है, आगे होगा। सांस लगी है। चल जल्दी वरना पानी चाहिए। हाँ हाँ बेटा चल पानी की बोतल देना। सारे कैमरे चल रहे हैं? जी सारे कैमरे चल रहे हैं। यही है रोको इसको, देखना शोर नहीं होना चाहिए, तुम उनका पीछा करो, छोड़ना मत उन्हें। एक मिनट इधर आइए, साइड में आइए, बच्चे को छोड़िए, इधर आइए। क्या हुआ? अभी सब पता चल जाएगा, आप साइड में रहिए। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था, या तो वो ट्रेन को जाने देते और गया पुलिस को खबर करके इंतजार करते कि सब वहां पर पकड़े जाएं, और या वो चलती ट्रेन में चढ़ने का रिस्क उठाते। अपने भाई को अकेला ना छोड़ने की वजह से सिद्धेश ट्रेन में चढ़ा था, तो वहीं यूपी पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़कर क्रिमिनल्स का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। मैं आपकी मदद करने आया, ठीक है? मुझे दीपू के पास जाना है। मुझे पता है, आपका भाई इसी ट्रेन में, हम दोनों मिलकर दीपू को ढूंढेंगे, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, वो बच्चा मिल गया है, मेरे पास ही है सर। हाँ एक मिनट सर, बेटा आपको पता है कितने लोग हैं? 6-7। सर 6-7 लोग हैं बता रहा है। That's very good, धर्मेश। और बाकी के बच्चे? हाँ, आपको पता है बाकी के बच्चे कहाँ हैं? नहीं सर, इसे नहीं मालूम है। ओके। एक काम कर, सो जा। बात बताओ, जब आपको पुलिस ने बचा लिया था तो आप दोबारा से ट्रेन में क्यों चढ़ गए थे? क्योंकि मेरा भाई इसी ट्रेन में है, और मैंने मेरे भाई से वादा किया था कि मैं यही ट्रेन में रहूं। आप बहुत बहादुर हो,
अच्छा एक काम करो, आप अभी यहीं रुकना ठीक है, और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। कोई भी बाहर से दरवाजा खटखटाया खोलोगे नहीं, जब तक मेरी आवाज नहीं सुनोगे आप दरवाजा मत खोलना ठीक है। सर मेरे बच्चे कहाँ हैं? जी आप हिम्मत रखिए, आपके बच्चे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि मेरे बच्चे मिल गए हैं। वो फोन मैंने ही आपको करवाया था। तो कहाँ है मेरे बच्चे? देखिए आपका एक बच्चा मिल गया है और हमारी हिफाजत में है, और दूसरे की हम तलाश कर। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? प्लीज। ठीक है, मैं आपकी उससे बात कराने की कोशिश करूँ। हेलो इंस्पेक्टर, वो बच्चा कहाँ है? सर वो सेफ है। क्या हम उससे बात कर सकते हैं? उसकी माँ यहाँ हमारे साथ है, वो बात करना चाहते हैं। हाँ सर, सर मैंने उसे बाथरूम में ही रहने को कहा है, उसकी जान को खतरा है सर। लेकिन उसकी मामा से कहिएगा सर कि वो बच्चा बहुत बहादुर है। अब एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं आपको स्पीकर पर लगा रहा हूँ। आपका बेटा बहुत बहादुर है, उसे तो आरा स्टेशन पर ही बचा लिया गया था, लेकिन वो दोबारा से ट्रेन में चढ़ गया क्योंकि उसने अपने भाई को वादा किया था कि वो उसके साथ ही रहेगा। उसका ख्याल रखना धर्मेश, और अपना भी। जीआरपी के कितने कांस्टेबल हैं तुम्हारे पास? सर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन दो या मैक्सिमम चार होंगे सर। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। जी सर, ऑल द बेस्ट। और जो सिन्हा वाली बात तुम कर रही थी, और वो जो सिन्हा जी की बेटी की शादी है, तो जरा उनके बारे में भी तो सोचना है। अरे भाई साहब आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना। माँ सर पानी दो, मैं प्यास लगी है। हाँ, दे, 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 दे। बाद में पी लेना। ए, चुप, अभी दवाई दी ठीक हो जाएगा, सो जाओ चुपचाप। सर मैं क्या पुलिस और जीआरपी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ट्रेन के वहां पहुंचते ही ट्रेन को घेर लें? नहीं, बदमाशों के पास हथियार हो सकते हैं और ये एक हॉस्टेज सिचुएशन बन सकती है। हम इतने सारे बच्चों और पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। मगर सर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे भी तो नहीं रह सकते। आई नो, ये तो अच्छा है कि ट्रेन में इंस्पेक्टर धर्मेश, अगर वो सारे बच्चों और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब हम गया में कोई एक्शन ले सकते। मगर सर वो तो अकेले नहीं, उनके साथ जीआरपी के 3 या 4 कांस्टेबल्स भी हैं। गया पुलिस और जीआरपी को इन्फॉर्म करना, लेकिन उनसे कहो कि स्टैंड बाय पे रहे, और जब तक हम ना कहे कोई एक्शन ना। ओके सर। ओए चने, चने वाला चने, गर्मा गर्म चने देना, बोलो ना। चने वाले चने, गर्मा गर्म चने। हेलो। हाँ धर्मेश बोलो। हाँ सर, दो बच्चे आइडेंटिफाई हो गए। सीट नंबर नोट करो, S3 41 और 42। ठीक है, गया की टीम को इन्फॉर्म करो। वालों को खबर हो गया तो हमने बच्चा लोगों को जल्दी जल्दी एनजीओ से हटा दी, वो सब्जी वाली गाड़ी में लाद के उनको
स्टेशन पहुंचा दिया गया। इसके बाद से कुछ नहीं पता। सर, आरएस स्टेशन के बाहर एक बच्चे की लाश मिली। क्या? यस सर। इंस्पेक्टर, बच्चों को बक्सर से आरा सब्जी वाले टेम्पो में लाया गया था और आरा स्टेशन के बाहर एक बच्चे की लाश मिली। ओह गॉड। अब ये तो नहीं पता कि वो लाश उन्हीं बच्चों में से किसी की है, लेकिन अगर है तो बच्चे काफी डरे हुए होंगे। सो बी केयरफुल। आई अंडरस्टैंड। ओके। देर से घूम रहे हो, क्या बात है? किसी को ढूंढ रहे हो का? हाँ, हमने भी नोटिस किया, बहुत देर से इधर उधर घूम रहे हो, क्या चक्कर है? बैठने की जगह ढूंढ रहा था। अरे भाई, गाड़ी इतनी खाली पड़ी हुई है, कहीं बैठ जाओ। आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, वो जमीन का था ना। अरे हम कितना मनाया उसके ऊपर, मान ही नहीं रहा। इंस्पेक्टर, बच्चों को बक्सर से आ रहा सब्जी वाले टेम्पो में लाया गया था। हमको पेशाब करना है। देखो बेटा, डरो मत, मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच बता रहा हूँ, हम आपकी मदद करने आए। आप बक्सर में भीख मांगते थे ना, मुझे पता है कि अभी आपको गया ले जाया जा रहा है ना? ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। यहाँ से चुपचाप निकल कर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना और किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? अब मैं कहने जाता हूँ कि मेरे पीछे आओ। काका खा लेते हैं, कितना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं घुस के। कोनो बारात रात में से आएगा? अरे निकलो भाई। कहा भाई, कितना खा के बैठ जाते हो आके? बेटा दरवाजा खोल, मैं हूं। बेटा बेटा दरवाजा खोलो, मैं पुलिस अंकल हूं। अरे इतना क्यों घबरा हुआ है तू? हाँ दरवाजा खोल। ए, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर धर्मेश, जीआरपी मुगलसराय। यस सर। एक काम करो, तुम दोनों यहीं खड़े रहना, अंदर का आदमी किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आना चाहिए। ओके सर। चलो। आ,
बाथरूम जाना है। चुपचाप सो जा, 15 मिनट में स्टेशन आने वाला है, तब कर लेना। अरे बहन जी करवा लाइए ना, कहीं ऊपर से कर दिया तो बारिश हम पे हो जाएगी। अरे बहन जी कहिए तो हम लेकर के चले जाएं। हाँ हाँ से कोई है क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी जान को खतरा है। अच्छा एक काम करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करोगे, अभी तुम सोने की एक्टिंग करना, ओके? भाई साहब जरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं यहां थोड़ी देर सुला सकता हूं? सोने की एक्टिंग करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। इन्हें गाड़ी में बिठाओ। हाँ इंस्पेक्टर। सर S4-23 पे जो आदमी बैठा हुआ था वो मारा गया है और दो बच्चे वहीं बैठे हैं। इंस्पेक्टर ट्रेन गया कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी, और अगर तब तक आपने सारे क्रिमिनल्स और बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड सर, मैं ट्रेन गया पहुंचते ही जीआरपी के कुछ जवान ट्रेन में चढ़ जाएंगे और आपके बताए सीट नंबर्स पर पहुंच जाएंगे। सर सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जिस बच्चे को मैं पहचानता हूं सर वो अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं मैं। कोशिश करते रहो इंस्पेक्टर, हम भी गया पहुंच रहे हैं। चलो सर, मैं अभी आया। हाँ। यार तू अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे ललिता ने फोन किया था। हाँ, उसका फोन आया था मेरे पास, शायद उसने रिंग सुनी होगी। देख पुलिस को खबर लग चुकी है, वो पुलिस वाला बच्चे के साथ में था, इसका मतलब गया स्टेशन पे पुलिस तैयार होगी। एक काम कर, जिसको खबर कर सकता है कर, ठीक है? और हम यहाँ से चेन खींचते हैं और निकलते हैं, चल फटाफट। बच्चों का अभी पता नहीं चल पाया है, बट आई एम श्योर उसको पुलिस की भनक लग गई है सर। सर अगले स्टेशन गया में ये कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करेंगे। लाइक चेन बुलेट। यस सर। भाई सब करवट तू हरा हुई गंकन की वजह से हुआ। अरे एक तो है ना हमारे पास,
हमारे ख्याल से अगले आउटर के सिग्नल से पहले चेन खींचकर ट्रेन रोक देते हैं। रामा, कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम गाड़ी के नीचे ही फेंक देंगे। हाँ तो फेंक देंगे ना। चलो चलो जाओ, चेन खींच लो। चलो जोर से खींच। अरे खींच रहा लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही। दूसरे डब्बे में जा, यहां मैं खींचता हूं। हाँ सर, ठीक है ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कैप्टन ये हेड पकड़ पकड़ चल लेके जा इसको। ये सारी ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है भैया? क्या करें आप? अरे वो वहां गया था, मर गया क्या? दरवाजा खोल कूदते हैं। अभी अभी ये पता चला है कि उनका मेन आदमी S3 सीट नंबर 72 में है। दिल्ली में पकड़े गए लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। बच्चे को नहीं फेंकना, बच्चे जा रहा हूँ। गन रख रख रहा हूँ। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इस तरह एक सफर खत्म हुआ, एक ऐसा सफर जिसमें दो बच्चों को एक ऐसे नरक से गुजरना पड़ा कि नास्तिक के दिल में भी आस्था जाग जाए। 2013-2014 के आंकड़ों के हिसाब से उस साल लगभग 66,000 बच्चे लापता हुए। हर 8 मिनट में किसी बच्चे का अपहरण होता है और इनमें से ज्यादातर बच्चों को बेच दिया जाता है। यूपी पुलिस और रेलवे पुलिस ने जिस चतुराई और जाबाजी के साथ इस केस को हल किया वो सराहनीय है।
जिस तरह के लोग बेगिंग माफिया यानी कि बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाने के व्यापार में शामिल हैं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। पुलिस तो अपना काम बखूबी निभा ही रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें। आपके आसपास पार्क्स में, मोहल्ले में, मार्केट में या स्कूल के बाहर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर आपको कोई भी संदिग्ध हरकत दिखाई दे तो आप तुरंत पुलिस को इत्तला करें। अगर हम आज की इस भागती दौड़ती तेज रफ्तार वाली जिंदगी में सतर्क रहने के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल पाएं तो शायद हम आने वाली मुसीबतों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस हमारी मदद करती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम पुलिस की मदद करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अभी थोड़ी ही देर में रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। देखते रहें क्राइम पेट्रोल, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।